नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बेसिकली हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी रिज़ल्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी रिज़ल्ट को लेकर, जो कि यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा यहाँ पे जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लेटर के माध्यम से यहाँ पे आंसर की, जो कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है और इसका आंसर की है जो कि आ चुका है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आंसर की नहीं देखा है वो देख लो भाई, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि रेलवे द्वारा निकल के आ रही है। तो दोस्तों इसमें क्या है अपडेट, इसमें कैसे आप अपने आंसर की देख सकते हैं बिल्कुल ही ऑफिशियली, जो कि रेलवे द्वारा जारी किया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा उसे देख लीजिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब तक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर सब्सक्राइब, बगल में घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, क्योंकि सभी को आंसर की देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी आंसर की 2020-21 एंड अवेलेबल डाउनलोड रेलवे एनटीपीसी आंसर की है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम दोस्तों ऑफिशियली बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की, जो कि आंसर की को लेकर। दोस्तों जैसे कि हम आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पे आंसर की जो रेलवे एनटीपीसी के जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसका यहाँ पे आंसर की जो कि जारी कर दिया गया रेलवे द्वारा। तो दोस्तों इस कैसे दे सकते हैं इसको, बेसिकली हम बता रहे हैं आपको कैसे चेक करना अपना अपना आंसर की। तो देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी आंसर की 2021 यहाँ पे यू कैन डाउनलोड आरआरबी एनटीपीसी आंसर की CUN 101/2019 एग्ज़ाम फेज 3, 2 and 1। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली बात किया बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने फेज 3, फेज 2 एंड फेज 1 यानी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों का यहाँ पे आंसर की जो कि रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसमें दोस्तों बताया गया है जो कि जैसे कि आपको पता ही है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी, और जो यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि आरआरबी एनटीपीसी आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया गया ऑफिशियली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका आई की डिटेल्स को लेकर, कैसे इसको चेक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 and 2021 आंसर की, ठीक है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं अवेलेबल है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अवेलेबल है यहाँ पे जो कि आंसर कीज यहाँ के देख सकते हैं। तो दोस्तों फेज़ यहाँ पे दिखाया गया है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी, जैसे कि दोस्तों जिन फेजेस में जो एग्ज़ाम्स करवाए गए हैं आरआरबी एनटीपीसी द्वारा, उनके जो यहाँ पे कीज़ है आंसर की वो जो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। दोस्तों फेज़ 2 यहाँ पे देख सकते हैं, फेज़ 2 के बारे यहाँ पे जो भी डेट के यहाँ पे एग्ज़ाम जिन लोगों ने दिया था उसकी जो चेकलिस्ट है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों इसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पे आके अपना जो कि है फेज़ में जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए थे उसका जो आंसर की है बिल्कुल ऑफिशियली दोस्तों जारी किया गया यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना अपना रिजल्ट आंसर की आके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आई को लेकर यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की 2020-2021 इंपॉर्टेंट डेट्स, जिन जिन डेट्स को यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया गया था 28 दिसंबर से लेकर और यहाँ तक जनवरी के यहाँ एंड तक, जो भी अभी तक जिन फेसेस में एग्ज़ाम करवाएं, जैसे मैंने बताया फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, तो यहाँ पे आंसर की उनकी रिलीज़ कर दी गई है आरआरबी एनटीपीसी द्वारा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 20 जन 2021, ठीक है दोस्तों यहाँ पे सब अनाउंस हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि ये बोर्ड्स जो देख रहे हैं ये सबका, और इस जो जिस लिंक पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस न्यूज़पेपर पे, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिन लोगों को देखना अपना अपना आंसर की वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे करना है आपको, कैसे करना है आंसर की को डाउनलोड, जैसे बेसिकली आपको कुछ करना नहीं होगा। आपको यहाँ पर जैसे कि आपको क्या करना होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पे जाके आपको 01, जैसे कि ये है आरआरबी CUN 01/2019, इस पर जाके पोर्टल मिलेगा। अब वहाँ पे जैसे कि जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा, और आरआरबी एनटीपीसी पे जाके अपना पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपका जो कि है आंसर की टैप लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों जो कि आपका आंसर की रिलीज़ एनटीपीसी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो सबसे पहले आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा,
दोस्तों उसको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो पासवर्ड होगा उसको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी DOB आपको डालना होगा। उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। आपको ज़्यादा दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका भी बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना देंगे। यदि जिन लोगों को डाउट हो या फिर रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आए लॉगिन करने में, आंसर की डाउनलोड करने में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमने बताया कि इसमें कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आके आपको यहाँ पर क्लिक करना है बेसिकली यहाँ पर आंसर की को, और जिस भी बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है वहाँ पर जाके, जैसे कि अहमदाबाद, अलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, ठीक है, जिस बोर्ड से आपने फॉर्म भरा है दोस्तों, यहाँ के आप अपना जो कि है ऑफिशियल वेबसाइट लिंक पे आप अपना आके जो कि आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रेलवे NTPC रिज़ल्ट को लेकर। जैसे कि हमने बताया कि इसकी आंसर की है जो कि आ चुकी है ऑफिशियली, जो कि जैसे कि बताया जिन लोगों ने अभी तक आंसर की को डाउनलोड नहीं किया वो कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, जिसकी भी हमने बताया इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियली तरीके से हमने आपको समझा दिया, बता दिया। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। जिन लोगों को ये जानकारी समझ में नहीं आई होगी, इसकी इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका सबसे पहले रिप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल पर पहले विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर मैं घंटे का बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आगे पास पहुँचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।